ऑलमोस्ट सभी को टाउन में लाइसेंस मिल गया है, पंडाल का भी और आपका जुलूस का भी, तो गांडिया का भी हम परमिशन दे रहे हैं, प्रोवाइडेड वो सब अपना कंडीशंस फॉलो करे, सेफ्टी का ध्यान रखे। और डीजे पे तो पूरा मतलब आपको मालूम है स्ट्रिक्ट बैन है, तो कहीं भी डीजे बजता है किसी भी प्रोग्राम में, अगर कोई डीजे चलाता है तो उसमें कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, तुरंत कार्रवाई होगी, डीजे भी जब्त होगा भले वो कहीं का। सभी से यही अनुरोध है कि कोई भी आपको असामाजिक या गलत कुछ वारदात होती है तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को आप इत्तला कर दीजिए, और प्रशासन पुलिस आप सभी के साथ है। जिला प्रशासन पूरी मतलब सतर्कता से, जिला प्रशासन प्लस नालंदा पुलिस दोनों बहुत प्रोएक्टिवली सारे प्लान स्ट्रेटेजी हुआ है, और पिछली बार की तरह ही इस बार भी बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा संपन्न किया जाएगा, और खासकर विसर्जन जो रहता है और जो बाकी लोग पूरे नालंदा से और भी क्षेत्रों से दर्शन के लिए आते हैं तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी दर्शन में, इसका हम ख्याल रख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सभी को टाउन में लाइसेंस मिल गया है, पंडाल का भी और आपका जुलूस का भी, तो उसमें कुछ थे लोगों को डाउट्स थे, अफवाहें आ रही थी कि 20 के ये लाइसेंस जारी होंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, तो ऐसी चीज नहीं है। जो छोटे पंडाल है जहाँ 5, 10 या 20 से कम है उनको भी लाइसेंस मिल गए हैं, और ये हर साल का जो प्रोटोकॉल है उसी तरह से हम कर रहे हैं, तो कोई नया चीज हमने नहीं की है। तो यही है कि सबको अच्छे से मतलब दुर्गा पूजा करने का अवसर मिले और कोई दिक्कत ना हो, यही प्रशासन की पूरी मतलब मेन कंसेप्ट है। तो सबको लाइसेंस एकदम स्मूथली मिल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, तो सभी से यही अनुरोध है कि कोई किसी गलत अफवाह पे आप ये मत रखिए। तो प्रशासन पूरी तरीके से सबको सहायता कर रही है और पुलिस भी प्रॉपर सबको गाइड कर रही है। 2-3 दिन से पूरा प्रशासन पुलिस आपके होटल्स हो गए, लॉज हो गए, जो भी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन इन सभी पर भी एक्टिवली सर्च हो रहा है और रेड भी हो रही है। तो जहाँ जहाँ भी कोई मतलब असामाजिक तत्व है या कोई गलत चीजें कर रही है तो उनपे कड़ी कार्रवाई की जा रही है, अरेस्ट भी हो गए, FIR भी हो रहे हैं। उसी के साथ एक्साइज सुपरिटेंडेंट को भी बताया गया कि टाउन में वो अपने रेड्स बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए ड्रोन्स का भी नालंदा पुलिस इस्तेमाल कर रही है, प्रशासन भी पूरे साथ है, तो एक्साइज के भी काफी छापेमारी अभी चालू हो गई है इस दुर्गा पूजा के पर्व में। तो मेन तो टाउन में भी कुछ नशा या कोई दारू की बिक्री या कुछ भी हो रहा है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। फिर दूसरा है कि हमने इस बार ये किया है कि पंडाल पे अपना बैनर लगेगा, कि हर पंडाल का नाम रहेगा पूजा समिति का, उसमें मुख्य लाइसेंसधारी, नाइट वॉलंटियर कौन रहेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स, ये सब का एक बैनर लगेगा पंडाल पे, कि इससे लोगों को भी सहूलियत होगी कोई किसी को कॉन्टैक्ट करने, और प्रशासन को भी सहूलियत होगी। इसी के साथ जुलूस का जो ट्रैक्टर या जो भसान निकलेगा उस पर भी एक बैनर लगेगा कि उनका लाइसेंस नंबर क्या है, मुख्य लाइसेंसधारी कौन से, पूजा समिति का नाम, तो वो भी है। और उसके बाद नगर निगम भी आपने देखा होगा प्रोएक्टिवली नगर आयुक्त सर और उनकी टीम काफी साफ सफाई और जहाँ रास्ता नाली कुछ दिक्कत है वो भी सब ठीक करवा रहे हैं, तो इससे जो भी पब्लिक अभी अगले 10 दिनों में आएगा दुर्गा पूजा में तो आपको कोई तकलीफ ना होगी, इसका पूरा नगर निगम ख्याल रख रहे हैं। DSP साहब ने भी और हमने सहयोग में ट्रैफिक रूट और पूरा प्लान भी पब्लिश कर दिया है, तो लोगों को पहले से ही अवेयर करके रखा है कि कहाँ से डाइवर्जन है, कहाँ से वन वे है, कहाँ से पूरा नो एंट्री है, टोटो कब तक या बड़ी गाड़ी कब तक एंट्री है सिटी में, टाउन में, वो सब चीजों का भी ख्याल रखा गया है। तो DSP ट्रैफिक भी बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, उनकी टीम पूरे टाउन में भी अभी डिप्लॉयमेंट हो गया है, तो आपने देखा होगा कि काफी ट्रैफिक में सुधार हो रहा है। पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ परमिशन लिया गया है क्या? वो जो प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड रूल्स है उसी के हिसाब से हम सबको परमिशन भी दे रहे हैं, तो जहाँ कुछ दिक्कत है तो जो ऑर्गेनाइजर से उनसे भी बात हो रही है, पुलिस प्रशासन भी लूप में है, और ये भी है कि सिर्फ दांडिया नहीं तो बाकी जो पंडाल है उसकी भी हम स्ट्रक्चरल ऑडिट कर रहे हैं भवन के तरफ से, भवन के इंजीनियर, अग्निशमन फायर के जो टीम है और उनके साथ बिजली विभाग, ये तीनों का संयुक्त टीम
सारे पंडाल्स की जांच कर रही है, उसी के साथ भी कोई भी अगर कहीं पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है उसी की भी जांच हो रही है। तो ऐसा नहीं है, तो पब्लिक सेफ्टी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद कोई प्रोग्राम आता है तो पूरा उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और जो मतलब रूल्स प्रोसीजर है किसी प्रोग्राम के लिए वो फॉलो हो रहे हैं, तो दांडिया का भी हम परमिशन दे रहे हैं, प्रोवाइडेड वो सब अपना कंडीशंस फॉलो करे, सेफ्टी का ध्यान रखे। और डीजे पे तो पूरा मतलब आपको मालूम है स्ट्रिक्ट बैन है, तो कहीं भी डीजे बजता है किसी भी प्रोग्राम में, क्लियर मैसेज है जिला प्रशासन की तरफ से, अगर कोई डीजे चलाता है तो उसमें कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, तुरंत कार्रवाई होगी, डीजे भी जब्त होगा, भले वो कहीं का भी हो, नालंदा का हो या बाहर का हो, वो जब्त होगा, उस पर भी FIR होगी, और जिसने बुलाया है ऑर्गेनाइजर उस पर भी FIR होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अनुरोध है कि कोई भी आपको असामाजिक या गलत कुछ वारदात होती है तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को आप इत्तला कर दीजिए, और प्रशासन पुलिस आप सभी के साथ है कि अच्छे से दुर्गा पूजा हो एकदम शांति से, और सब लोग इस दुर्गा पूजा का भी आनंद उठाए, यही सबको है, और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं।